वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप एवरीवन इज फाइन एंड फिट एट होम। टुडे आई एम हियर टू टेक क्लास 5th मैथ्स चैप्टर 12 मेजर्स ऑफ लेंथ मास एंड कैपेसिटी एक्सरसाइज 55 का बेटा क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम सब सॉल्व कर चुके हैं, ये स्टेटमेंट्स कौन से हैं आज हम उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, विडे ट्रैवल्ड 5 किलोमीटर 72 मीटर बाय बाइसाइकिल। ठीक है, विडे जो है उसने ट्रैवल कर रहा है 5 किलोमीटर 72 मीटर बाय बाइसाइकिल। उसने ट्रैवलिंग करनी स्टार्ट की है। ठीक है, ट्रैवलिंग करी है उसने 5 किलोमीटर 72 मीटर बाय बाइसाइकिल। इतनी ट्रैवल उसने किससे की है? बाइसाइकिल। ठीक है, साइकिल पे उसने इतनी ट्रैवलिंग की है 5 किलोमीटर 72 मीटर। आगे की ट्रैवलिंग उसने किससे किया? 18 किलोमीटर 356 मीटर बाय बस। फिर उसने बस से ट्रैवल कितना किया है? 18 किलोमीटर 356 मीटर बाय बस। ये ट्रैवलिंग उसने बस से किया। एंड 1 किलोमीटर 872 मीटर ऑन फुट मींस ये उसने पैदल ट्रैवल किया। ठीक है, यानी उसकी ट्रैवलिंग जो उसने पूरे जितना भी ट्रैवल किया उसमें से 5 किलोमीटर 72 मीटर उसने बाइसाइकिल में ट्रैवलिंग किया, 18 किलोमीटर 356 मीटर उसने बस से ट्रैवल किया है, एंड 1 किलोमीटर 872 मीटर उसने फुट से ट्रैवल किया। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विनय? टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया विनय ने, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी हमें क्या करना होगा बेटा, इसमें तीनों को प्लस करना होगा। लेकिन प्लस करने के लिए इनके पीछे जो नोटेशन है वो तो सेम होनी चाहिए ना। यहाँ पर ये किलोमीटर में है 5 और 72 किसमें? मीटर में। तो इनकी नोटेशन सेम सबसे पहले। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साइकिल, यानी साइकिल से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है उसने। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बाइसाइकिल, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने बाइसाइकिल से? 5 किलोमीटर 72 मीटर। ठीक है बेटा, इसको कन्वर्ट करेंगे हम, इसकी नोटेशन को सेम करेंगे। ठीक है, तो हम अपना फॉर्मूला यहां पर लिखते हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, 5 किलोमीटर है, 72 मीटर है। हम क्या करेंगे, इसको पूरे को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 5 किलोमीटर प्लस, अब 72 क्या है बेटा? मीटर। मीटर से किलोमीटर में हमें कन्वर्ट करना है, तो मीटर से किलोमीटर में देखिए कितनी जंप कर दिया, 1, 2, 3 मीटर से किलोमीटर तक पहुंचने में बेटा 3 जंप लग रही है। और कौन से डायरेक्शन में लग रही है? रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब रिवर्स डायरेक्शन में लग रही है, इट मीन्स क्या होगा बेटा? डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी? यहाँ पर हमारी किससे डिवाइड होगी? कितनी जंप लग रही है? 1, 2, 3 3 जंप लग रही है, मीन्स 1000 से डिवाइड होगी। 3 0 लगाएंगे ना पीछे यहाँ पर, क्योंकि कितनी जंप लग रही है बेटा? 3 जंप लग रही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर किसकी नोटेशन दे देंगे? किलोमीटर की। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब ये कितने जीरो है? 1, 2, 3 3 0 है ना, मीन्स डेसिमल पॉइंट लास्ट से 3 डिजिट पे
पहले लगेगा 1, 2, 3, यहाँ पर एक जीरो लगा दिया। इससे पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और उसके आगे कुछ किया तो जीरो। एक एक स्टेप को अच्छे से समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, 5 किलोमीटर बिल्कुल सेम लिखा है, इस मीटर को मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट किया। तो मीटर से किलोमीटर तक पहुंचने में कितनी जंप लगी आपको सिर्फ वो काउंट करना है, ठीक है? काउंट करो 1, 2, 3, 3 जंप लग रही है। अब कौन से डायरेक्शन में लग रही है ये चीज वो देखिए, डायरेक्शन कैसी है इसकी, रिवर्स डायरेक्शन है, ठीक है? तो डिवाइड होगी, डिवाइड में क्या आएगा बेटा, 3 जीरो चाहिए हमें डिवाइड में, 1, 2, 3 जीरो लगा दिया। फिर उसके बाद इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, आप क्या कर देंगे, प्लस करवा देंगे, ठीक है? 5.072 किलोमीटर। मींस हमने इसको कन्वर्ट किया, 5 किलोमीटर 72 मीटर को कन्वर्ट किया है, किलोमीटर में तो हमारे पास कितना आया बेटा, 5.072 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाइसाइकिल इक्वल टू में 5.072 किलोमीटर, ठीक है? बेटा मैंने जो यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन था उसको एगेस करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? जो आंसर आया था ना वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, किससे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बाय बस। बस से कितने उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, देखिए 18 किलोमीटर 356 मीटर। अब बेटा आप चाहो तो इसको कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको इसका सॉल्व करना पूरा बताया था, ठीक है? इसको मैंने कंप्लीट ओपन करना बताया था, या आप शॉर्ट में भी सीख सकते हो। देखो हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अब यहाँ देखिए बेटा, जब हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया था तो लास्ट से 3 डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट आया, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, 356 लिख दिया। काउंट करो 1, 2, 3, यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दो, उसके आगे क्या लिख देंगे, 18.356 आया। कैसे आया एक बार आप कंप्लीट देख लीजिए, ऐसे 18 किलोमीटर को हम 18 किलोमीटर यहाँ पर लिखेंगे, प्लस इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेटा किसमें, मीटर से किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, 1000 से क्या करवा देंगे, डिवाइड, क्योंकि मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड होगा ना, कैसे देखिए अपना रूल, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है? अब हमें मीटर से किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, मीटर से किलोमीटर में। तो ये है आपका मीटर और ये है आपका किलोमीटर, देखिए जंप कितनी लग रही है, 1, 2, 3, ठीक है? और रिवर्स में लग रही है तो डिवाइड करवा दिया, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट है 18 किलोमीटर, अब डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, कितने जीरो है, 1, 2, 3, 3 जीरो है, डेसिमल पॉइंट लास्ट से 3 डिजिट पहले लगेगा, यहाँ लगेगा ना, उसके आगे जीरो लगा देंगे, किलोमीटर। अब ऐड करवा दो 18.356 किलोमीटर, ठीक है? सेम ही आ रहा है ना, 18.356 किलोमीटर, ठीक है? तो सॉल्व करवा के लिखना है तो पूरा सॉल्व करवा के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट, डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, यहां पर दे रखा है ना 1 किलोमीटर 872 मीटर ऑन फुट, तो हमने यहां पर यही लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया फुट में, फुट से उसने 1 किलोमीटर 872 मीटर, कन्वर्ट करेंगे इसको किलोमीटर में, कैसे, लास्ट से 3 डिजिट्स पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और आगे 1 लिखते हैं,
लास्ट के 3 डिजिट्स पहले ही लग रहा है, आपको एक फॉर्म कर दिया उसकी अकॉर्डिंग हमने यूज किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ही कर देंगे, नहीं, हमने पहले वन सॉल्व किया था पूरा, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको लिखा, ठीक है। अब हमें यह फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विनय, तो हम यहां पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, ठीक है, यहां से पूरी कंप्लीट लाइन लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विनय, विनय ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इसमें क्या होगा बेटा, इन तीनों का सम होगा 5.072 किलोमीटर प्लस 18.356 किलोमीटर प्लस 1.872 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको एडिशन करवानी है, अरेंज करोगे आप सबसे पहले डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाए, नेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं 8 यहां पर 1 इधर, ठीक है, 356 किलोमीटर, कैसे लिखा बेटा, डेसिमल पॉइंट के नीचे सबसे पहले डेसिमल पॉइंट लगाया, फिर हम डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू उसको सबसे पहले लिखेंगे, क्या है डेसिमल पॉइंट के नियर पहले 8 है फिर 1 है, तो सबसे पहले मैंने यहां पर 8 लिखा फिर 1 लिखा, फिर डेसिमल पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ जो वैल्यू उसको लिखेंगे, तो पहले 3 लिखा फिर 5 लिखा फिर 6, इसी टाइप से नेक्स्ट जो वैल्यू है उसको भी अरेंज कर देंगे। अब क्या करेंगे बेटा, प्लस करवाएंगे, ठीक है, देखिए बेटा 2 + 6 + 2 कितना हुआ 10, 10 का 0 इधर 1 कैरी, 7 + 5 + 7 कितना हुआ 19, 19 में 1 ऐड करेंगे 20, 0 इधर 2 नेक्स्ट इधर कैरी, ठीक है, जो नेक्स्ट आगे वैल्यू है उन पे कैरी हो जाएगा, 0 + 3 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 11, 11 में 2 ऐड करेंगे 30, ठीक है, 3 इधर 1 आगे कैरी, बीच में डेसिमल पॉइंट आ गया, यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएंगे हम, ठीक है, 5 + 8 + 1 14, 14 में 1 ऐड किया 15, कैरी वाला 1 ऐड किया ना 15 हो गया, और 1 इधर कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं, 1 में 1 ऐड किया 2, सो द आंसर इज 25.300, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे किलोमीटर। अब इस आंसर को यहां लिख दीजिए 25.300 किलोमीटर, ठीक है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 किलोमीटर 300 मीटर, अगर किलोमीटर मीटर की फॉर्म में ही कन्वर्ट अगेन करना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 25 किलोमीटर 300 मीटर, ठीक है। आंसर यहां पर आ चुका है हमारा इसका, दोबारा से देख लीजिए एक बार, मैंने ट्रैवल डिस्टेंस बाय बाइसाइकल, इतनी डिस्टेंस उसने बाइसाइकल से ट्रैवल किया, इसको मैंने कंप्लीट को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, ये डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया, ये फुट से ट्रैवल किया, और हमें निकालना था टोटल डिस्टेंस, टोटल के तीनों का हमने क्या कर दिया सम, ठीक है, तो आप अरेंज करेंगे अच्छे से फिर ऐड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, राकेश बोर्ड 5 मीटर ऑफ क्लोथ, राकेश ने 5 मीटर क्लोथ लिया, ठीक है, टोटल 5 मीटर ऑफ क्लोथ परचेज किया उसने, ही यूज्ड, उसमें से उसने कुछ पार्ट यूज कर लिया, टोटल उसने 5 मीटर क्लोथ लिया उसमें से उसने कुछ पार्ट यूज कर लिया, कितना यूज किया 2 मीटर 35 सेंटीमीटर फॉर हिज शर्ट, शर्ट बनवाने के लिए यूज कर लिया, ठीक है, एंड द रेस्ट फॉर हिज ट्राउजर्स, और उसमें से कुछ पार्ट उसने ट्राउजर बनवाने के लिए यूज किया, ठीक है, लेकिन पता नहीं है यहाँ पर कि ट्राउजर में उसने कितना यूज किया, हाउ मच क्लॉथ डिड ही यूज फॉर द ट्राउजर, और हमें फाइंड आउट भी यही करना है कि उसने कितना ट्राउजर बनाने के लिए क्लॉथ यूज किया, ठीक है, 5 मीटर उसके पास टोटल क्लॉथ है, इसमें से इसने
35 सेंटीमीटर जो है वो अपनी शर्ट बनवाने में यूज कर लिया, बाकी का रेस्ट जो है उसने उसका ट्राउजर बनवाया, तो क्या करेंगे बेटा? 5 मीटर तो टोटल क्लोथ है, इतने मीटर उसने शर्ट बनवा ली, तो इस 5 में से अगर हम माइनस करवा देंगे इसको तो हमें पता लग जाएगा कि उसने ट्राउजर कितने मीटर क्लोथ का बनवाया। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, टोटल क्लोथ बोट बाय राकेश। ठीक है, टोटल क्लोथ बोट बाय राकेश, कितना क्लोथ लिया उसने टोटल 5 मीटर। मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर इन द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है, ही यूज्ड, उसने यूज कर लिया। ठीक है, किसके लिए? फॉर हिज शर्ट, शर्ट बनवाने के लिए, क्लॉथ यूज फॉर शर्ट। शर्ट के लिए कितना यूज किया उसने क्लॉथ? 2 मीटर 35 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये है 2 मीटर 35 सेंटीमीटर और यहाँ है 5 मीटर, तो बेटा इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है बेटा, ये है हमारा सेंटीमीटर और यह है हमारा मीटर। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, 2 मीटर तो 2 मीटर ही लिखेंगे। अब इस 35 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बीच में किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। ठीक है, हम लिखेंगे 35 अपॉन, क्या लगाएंगे अपॉन में? देखिए, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना, जंप कितनी लग रही है? 1 2, कौन सी डायरेक्शन में लग रही है? रिवर्स डायरेक्शन में। 2 जंप लग रही है ना बेटा, तो यहाँ क्या आएगा? 100, 100 से डिवाइड करवा देंगे और ये किसमें कन्वर्ट होगा? मीटर। ठीक है बेटा, ये तो ऑलरेडी मीटर में था ना, इसको बिल्कुल सेम लिखा, ये है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करा है और दोनों के बीच में किसका साइन लगाया है? प्लस का साइन। ठीक है, अब आगे देखिए, 2 मीटर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 0.35 मीटर। ठीक है, डेसिमल पॉइंट लगा दिया, अब ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा? 2.35 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये किस टाइप से हमने कंप्लीट सॉल्व किया? अब हम इसको यहाँ पर ही लिख देते हैं, 2.35 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है बेटा? हाउ मच क्लोथ डिड ही यूज फॉर द ट्राउजर, हमें फाइंड आउट करना है कि उसने कितना क्लॉथ अब ट्राउजर के लिए यूज किया। ठीक है, टोटल क्लॉथ में से हम माइनस करवा देंगे जो शर्ट पे यूज होगा। ठीक है, क्लॉथ यूज फॉर ट्राउजर, टोटल क्लॉथ माइनस क्लॉथ यूज फॉर शर्ट, ठीक है। अब देखिए, टोटल क्लोथ कितना हमारे पास? 5 मीटर, माइनस करवा देंगे 2.35 मीटर, अब माइनस आप खुद करवाएंगे। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर मीटर लिख के आंसर लिखिए। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इफ 4 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड फॉर 1 फ्रॉक, एक फ्रॉक बनाने में हमें इतना क्लोथ लग रहा है, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर एक फ्रॉक बनाने में हमें इतना क्लोथ की जरूरत है। ठीक है, अब आगे में क्या रखा है? हाउ मच क्लोथ विल नीडेड फॉर 5 सच फ्रॉक, अगर हमें 5 ऐसे फ्रॉक बनाने तो हमें कितने क्लोथ की नीड होगी? अब बेटा हमें एक की तो दे रखी है कि वैल्यू, एक फ्रॉक बनाने में हमें कितना क्लोथ लग रहा है? 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, और 1 से हम जब ज्यादा की तरफ जाते हैं तो
तो क्या करवाते हैं आप, मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोथ नीडेड फॉर वन फ्रॉक, क्लॉथ इज नीडेड फॉर वन फ्रॉक, वन फ्रॉक के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, वन फ्रॉक बनाने तो कितने क्लॉथ की नीड है, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे बेटा, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 मीटर प्लस, अब सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में, अपनी टेबल राइट करो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब ये है बेटा हमारा सेंटीमीटर, हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में। जंप काउंट करो, सेंटीमीटर से मीटर तक पहुंचने में कितनी जंप लगी, 1 2, कौन सी डायरेक्शन में लगी, रिवर्स डायरेक्शन में, डिवाइड होगी किससे होगी, हैंडर्ड से होगी, क्यों हैंडर्ड से होगी, क्योंकि दो जंप लग रही है ना, मींस 2 0। ठीक है, सो 20/100 किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, ये मीटर में। ठीक है, 4 मीटर प्लस, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 0.20 मीटर, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4.20 मीटर। ठीक है, अब बेटा हमने इसको जब कन्वर्ट किया मीटर में तो कितना है, 4.20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, हाउ मच क्लॉथ विल नीडेड फॉर 5 such frog, तो हम यहां पर लिखेंगे क्लॉथ इज नीडेड फॉर, ठीक है, डैश 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 लगाती है हमने, क्लॉथ इज नीडेड फॉर 5 such frogs, 5 मतलब 5 frogs बनाने के लिए कितने क्लॉथ की नीड है। ठीक है, तो अब क्या करवा देंगे बेटा, मल्टीप्लाई करवाएंगे, किसकी करवाएंगे मल्टीप्लाई, पहले हम देखेंगे 4.20 × 5। ठीक है, 1 frog बनाने के लिए हमारे पास इतना क्लॉथ लग रहा था 4.20 मीटर, अब हमें 5 frogs बनाने हैं तो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, मल्टीप्लाई आपको बेटा खुद करवानी है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं डेसिमल नंबर के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए, आगे के सम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास।